ऊपर चलने का स्टार्ट शुरू से करो। बहुत हुआ, छोटा सा है लेकिन उसके साइज हम यहाँ से चल रहे हैं और लस्सी पियेंगे, घर जाएंगे, हमको घर जाना है। खाना वगैरह सब कुछ हो गया, अब हम यहाँ से निकलते हैं घर के लिए। हे गाइस, दिस इज दीपक एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि कल के ब्लॉग में हम लोग अपने क्लास हो गए थे और वहाँ पे शॉपिंग वगैरह जो भी करनी थी, आज हम फिर जा रहे हैं। तो आज हम एम बाज़ार और वी बाज़ार एंड फिनिक्स जाएंगे। फिनिक्स प्लास्टियो नहीं, सिर्फ फिनिक्स जो आलमबाग में पड़ता है, फिनिक्स में जाके हमें वी बाज़ार से कुछ सामान लेना है। और जैसा कि आपको पता है कि आज हमारे चक्कर भैया की शादी है, तो शाम को वहाँ पे भी जाना है और दी जीजा आए तो उनको भी शॉपिंग वगैरह करानी, फिर उनकी कल परसों में वापसी हो जाएगी घर के लिए। तो इस वजह से जा रहे हैं। तो गाइस, श्याम भाई भी हमारे आ गए, तो मैं, दी जीजा और हमारा भांजा और मिलन जाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो। सो गाइस, हो गए रेडी और फिर से निकल रहे हैं। और हम लोग पहुँच गए हैं फिनिक्स मॉल और यहाँ पर भी बाजार बंद हो रखा, पता नहीं क्यों, वहीं पर ही जाना था। तो अब देखते हैं, बाकी जी लोग सामान वगैरह लेती हैं और मुझे तो बिग बाज़ार से ही लेना था कुछ किचन वाला सामान। तो अब देखते हैं एम बाज़ार या वी बाज़ार में मिलता है तो ठीक है, तो रिलायंस और स्मार्ट बाज़ार जो भी आती है वो वहाँ पे देखते हैं, घर के पास ही है गाइस। कुछ भी नहीं मिला, ये बाज़ार बंद है, पता नहीं क्यों बंद है, क्यों शाम। तो हम लोग यहाँ से चलते हैं एम बाज़ार और वी बाज़ार, उसके बाद देखते हैं आ चुके हैं। घर भी बहुत हो रही है, थकान हो गई यार, लेकिन श्याम भाई हमारे बिल्कुल भी नहीं थके। श्याम भाई को देख रहे हो, और आज यह बंदा कल ये कैसे कर रहा था, कल कैसे कर रहा था ये, और आज तेज बन रहा है। हम लोग आ गए थे एम बाज़ार, बट यहाँ पे भी हमारा सामान नहीं मिला, तो अब यहाँ से भी निकलते हैं और चलते हैं वी बाज़ार में। उसके बाद देखते मिलता तो ठीक है, फिर तो घर चलो, फिर मम्मी पापा ही आएंगे लेने के लिए। एक छोटा सा है लेकिन उसके साइज ऐसा है ना कि इसको बड़े वाले कपड़े आते हैं, और बताओ अभी भी मिल ही नहीं रहे इसको कपड़े। यहाँ से सीधे एम बाज़ार और उसके बाद देखते हैं यार, धूप देख रहे हो कितनी हो रखी है। तो लोग आ गए हैं एम बाज़ार, सॉरी वी बाज़ार। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि सब वगैरह कम वगैरह भी लेना, तो मिडल देख रही है, देखते हैं मिलता है कि नहीं, बाकी तो हम देख ही रहे पसंद आता है तो हम लेते हैं। श्याम भाई घूम घूम के थक गए और हमने अपना ले लिया है सामान जो भी देना है। कर रहे हैं बिल पे और चलते हैं यहाँ से, हमारी हवा खराब हो गई है। श्याम भाई कुछ कहना चाहते हैं। तो गाइस, हमने सामान ले लिया, हमारी हवा खराब हो गई है घूमते घूमते गर्मी के मारे। अब हम यहाँ से चल रहे हैं और लस्सी पियेंगे, घर जाएंगे, हमको घर जाना है, हमको घर जाने दो। तो भाई साहब बिल बना रहे हैं, हम यहाँ से निकलते हैं, लस्सी पीते हैं, फिर घर के लिए देखते हैं। भाई साहब हम यहाँ से निकल रहे हैं, हम लोग आलमबाग दिख रहे हैं, और श्याम भाई कह रहे हैं आज मैं कहाँ आ गया, खाली आ गया, खाली फ़ोन उठा लिया, सोने का बहाना बनाया। कोई नहीं, कल मैं फिर सो जाऊँगा, मैंने सोने के बहुत गर्मी है। श्याम भाई गर्मी से परेशान हो गए। सो गाइस, हम लोग आ गए घर और हो गए हैं शाम के 4। तो अब हम मिलते हैं सीधे आपको शाम को। सो गाइस, बज गए हैं रात के 8 और बारात हो गई रेडी, और मैं भी अब होने जा रहा हूँ रेडी। लेट इसलिए हो गया था बिकॉज मम्मी को मैं दवा दिलाने के लिए लेके गया था, तो अभी मैं आया हूँ। तो अब हम भी रेडी होते हैं और फिर निकलते हैं बारात के लिए। बारात तो जा रही है, कुछ चीज़ें मैरिज हॉल पर जाकर मिलती हैं। सो गाइस, हम लोग आ गए हैं शादी में आ गए, और क्या बोलते हैं मैरिज हॉल पे भी आ गए। मिनल मम्मी और दी लोग उधर है, मैं जीजा इधर आ गए। वहाँ से इसलिए बाहर आ गए बिकॉज पीछे जो बैकग्राउंड में जो सॉन्ग बज रहा है कॉपीराइट क्लेम ना आए, तो इस वजह से हम लोग आगे थोड़ा बाकी का फिर मैं अंदर आपको दिखाऊंगा विदाउट। तो जैसे कि आप देख रहे हो पीछे बैकग्राउंड में जो सॉन्ग चल रहा है, तो गाइस अगर कॉपीराइट आता तो अब गाने तो बट मैं वहाँ पे बोलता तो आपको आवाज़ सुनाई नहीं देती बिकॉज डीजे बज रहा था। तो अभी क्या हुआ है, बाराती वगैरह आ गए और दूल्हे की गाड़ी और जो भी साथ के हैं, तो मतलब भैया दूल्हे राजा वो बाहर है, अभी बारात अंदर नहीं आई है और बाकी मेहमान वगैरह और बाराती और जो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो गाइस हम लोग भी अब अंदर चलते हैं थोड़ी देर के बाद बिकॉज अभी हम बाहर आ गए थे, इसलिए कि मैं थोड़ा शूट कर लेता हूँ और फिर अंदर जाएंगे तो वहाँ का फिर मैं आपका व्यू दिखाता हूँ बिकॉज वहाँ पे बोलने का मतलब तो कोई है नहीं, गाने बज रहे तो कुछ समझ में आएगा नहीं, तो इसलिए थोड़ा बहुत सिनेमैटिक वगैरह फिर उसके बाद हम इंजॉय करते हैं, फिर चलते घर के लिए गाइस। खाना वगैरह सब कुछ हो गया, अब हम यहाँ से निकलते हैं घर के लिए बिकॉज काफ़ी टाइम हो गया और रात भी हो गया और दूल्हा दुल्हन तो सुबह आएंगे मेरे ख्याल से, और वहाँ पे अंदर जाके शूट करने का कोई मतलब नहीं हो रहा था गाइस, क्योंकि वहाँ पे डीजे बज रहा था, तो इस वजह से शोर भी हो रहा था और मैं कुछ बोलता तो आपको समझ में नहीं आता, और तीसरा ये कि कॉपीराइट भी आता, तो इसी वजह से खाना वगैरह सारा अपना हो गया और जो भी रस्में वगैरह थी वो भी हो गए। अब कल को छोड़ के परसों को रिसेप्शन है, फिर वहाँ पे देखते हैं क्या होता है। तो गाइस इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। एंड करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाना ना भूलो। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।